हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल में मौलिक अधिकार, और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 37 तक है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से हम समानता का अधिकार पढ़ चुके, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके, आज शुरू कर रहे हैं तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इस अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो छोटा सा ये अधिकार है, दो अनुच्छेदों में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चले करें स्टार्ट। पहला है मानव दुर्व्यापार आदि पर प्रतिबंध। अब दुर्व्यापार का अर्थ क्या है? दुर्व्यापार का अर्थ है मनुष्यों का क्रय विक्रय करना। ठीक है, आपने सुना होगा गली मोहल्ले में कि आज बच्चा उठाने वाली गेंद आई है, वो बच्चों को उठा के ले जाती है और उनको बाजारों में बेच देती है। इसी प्रकार महिलाओं का क्रय विक्रय देह शोषण के लिए होता है। तो इन सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये अधिकार हमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार का अर्थ समझ गए, मानव तस्करी से है, मानव को अवैध तरीकों से उठाकर ले जाना और उनको बेच देना। आपने बहुत बार अखबार में खबरें पढ़ी होगी कि आसाम से, बिहार से, बंगाल से युवतियां लाएगी और उन्हें शादी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है और यहाँ लाकर बेच दिया जाता है, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बेगार, बेगार का मतलब लोगों से इस प्रकार से परिश्रम करवाना जिनके बदले उन्हें वेतन नहीं मिलता हो, यानी लोगों को एक प्रकार से दास गुलाम बनाकर रखा जाता है और वो केवल बचे खुचे खाने के आधार पर उनके यहाँ काम उनसे काम करवाते हैं और बचा खुचा जूठा खाना है उनको देते हैं, जिससे वो जीते हैं। इस प्रकार से बेगार प्रथा ये प्राय राजा महाराजाओं के समय में ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में ये प्रथा प्रचलित है, लेकिन कानून इस पर रोक लगाता है। सभी प्रकार के बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब होता है श्रमिकों की इच्छा के विरुद्ध उनसे काम करवाना। जैसे कई केमिकल फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर श्रमिक काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ईंट भट्टों पर मजदूरों, छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ये बलात्श्रम कहलाता है। दुर्व्यापार का अर्थ है मनुष्य का क्रय विक्रय, ये मैं बता चुका आपको, मनुष्य का क्रय विक्रय या मानव तस्करी जिसको कहते हैं। बेकार बता दिया और बिना वेतन के कार्य करवाना, बिना वेतन के कार्य करवाना या फिर नाम मात्र का वेतन देकर कार्य करवाना। आपने देखा होगा होटल और ढाबों पर छोटे छोटे बच्चे बर्तन साफ करते हैं, गिलास साफ करते हैं, और उनको या तो वेतन दिया ही नहीं जाता क्योंकि खाने के लिए रहते हैं वहां, या फिर वेतन दिया जाता है तो 1,000-2,000 रुपए देकर उनको पूरे दिन काम करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इन दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें सुरक्षा देता है कौन? हमारे संविधान का अनुच्छेद 23। दासता का अंत किया गया। आपने सुना होगा अमेरिका में दास प्रथा बहुत प्रचलन में थी, अमेरिका और रूस में दास प्रथा बहुत थी और वहां पर दास प्रथा का अंत हुआ। तो भारत ने भी क्या किया, 13वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा किया था? हमारा संविधान बना, उसके जल्दी संविधान संशोधन हुआ था और अमेरिका से शिक्षा लेकर हमने क्या किया, हमारे मूल अधिकारों में ये जो मानव दुर्व्यवहार का
अधिकार है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, इसमें शामिल किया गया दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा का मतलब क्या होता है? पहले देखो सुना होगा, राजा महाराजा अपने लड़की की शादी करते थे और लड़की के साथ लड़की की सेवा करने के लिए दास और दासियां साथ भेजा करते थे। तो वो दास और दासियां, उनको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता था, केवल वो उनके काम करने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से बिना वेतन के लोगों को गुलाम रखकर अपना दास बनाकर उनसे काम करवाना, ये दास प्रथा थी। तो 13वीं संविधान संशोधन के द्वारा दास प्रथा का भारत में क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब इस अनुच्छेद का अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। और मैंने बताया था जहां राज्य शब्द आ जाए वहां होता है सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। यानी देश में कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए जिससे निपटने के लिए सरकार कहते भी लोगों से अब तो काम में लेना जरूरी है, उनसे काम करवाना पड़ेगा, तो सरकार ऐसा, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए, पब्लिक हित का उद्देश्य होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के हित का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देश में युद्ध छिड़ जाए और देश के आंतरिक इलाकों में सुरक्षा के लिए लोगों को कहते भी रात को आपको चौकीदारी करनी है, अपने गांव की रक्षा करनी है, तो वो क्या हुआ? बिना प्रतिफल के अनिवार्य श्रम करवाया जा सकता है। जैसे अभी कोरोना चल रही है, देखा होगा बहुत सारे युवक है वो गांव के बाहर खड़े होकर रातों रात चौकियां करते हैं, गांव के अंदर कोरोना मरीज को नहीं घुसने देते। तो ये क्या है? सार्वजनिक उद्देश्य से किया गया कार्य है, वो इसका एक अपवाद है। लेकिन अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार श्रम योजना लागू करती है तो इसमें सरकार नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है? और अनुच्छेद 24 है अपना बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम का मतलब होता है ऐसे श्रमी जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। आयु क्या है? 14 वर्ष से कम, तो उनको काम पर नियोजन के लिए प्रतिबंध लगाता है। तो इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को न तो कारखाने में काम कराया जा सकता। कारखाने मतलब जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हो, उत्पादन होता हो, और न ही किसी जोखिम भरे काम पर नियोजित किया जा सकता है, ठीक है? जोखिम भरे काम का मतलब जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, ठीक है? इस प्रकार से, और आपको पता है हमारे संविधान संशोधन करके अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो फिर ये तो अधिकार और भी विस्तृत कर दिया गया। इस अधिकार का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले। अगर बताओ 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर यहां पर काम कारखानों में काम करेंगे, होटलों में काम करेंगे, और एक वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं पौष्टिक आहार लेते हैं, तो उनमें फिर भेदभाव हो गया ना। इसलिए इस अनुच्छेद का उद्देश्य है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी समाज स्तर पर सभी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। बाल श्रम अधिनियम था अपने देश में, अपने देश में अधिनियम का नाम क्या था? बाल श्रम निषेध अधिनियम। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 था और इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, ठीक है? बाल का मतलब तो क्या होता है? 6 साल से छोटे बच्चे बालक कहलाते हैं। लेकिन अगर बाल श्रम अधिनियम में 6 साल तक के बच्चे आए और 14 वर्ष की आयु में व्यक्ति क्या हो जाता है? किशोर हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या बदला गया? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम नाम बदला गया इसका। और इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है, यानी श्रमिक
बाल श्रम कोई करवाता है तो उनके लिए पहले सजा क्या थी, 1 वर्ष की सजा हुआ करती थी, यानी 1 वर्ष का कारावास उसको काटना पड़ता था। किसको? जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से नौकरी करवाते हैं। अब उस सजा को बढ़ाकर 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 वर्ष। यानी आप अपने कारखाने, अपने होटल या अन्य किसी संस्थान पर 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर काम पर रखते हैं तो आपको 2 वर्ष की जेल और जुर्माना, पहले 2,000 था इसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया, यानी 2 वर्ष की जेल काटो और 5,000 रुपए का जुर्माना भरो। ठीक है, तो ये हमारा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभी तक हमने 3 अधिकारों का वर्णन कर लिया, अगला हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस काम को अपने फेयर नोटबुक में कर लेना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।